क्या चीज आपको लेके चल, कुल 5,96,101 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित लोगों में से एक साल से अधिक की अवधि में कुल 8,764 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3,844 है। विगत 24 घंटों में 1,19,470 टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल मिलाकर के प्रदेश में 3,38,35,134 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। वैक्सीनेशन का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और आपके माध्यम से आज हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं, जो भी 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं या जो 45 से 60 साल तक के कोमॉर्बिड लोग हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जो 20 बीमारी आइडेंटिफाइड हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। और इसके लिए दो तरह की व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था यह है कि सभी जो हमारे अस्पताल टीकाकरण करते हैं उनके लिए आप उसमें प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी है, आप चाहें तो अपना स्लॉट पहले से बुक करा सकते हैं ऑनलाइन जा करके और आप जाके अपना टीकाकरण करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है या आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ टीकाकरण हो रहा है आप वहाँ पहुँच जाइए, केवल जो भी आपके पास फ़ोन है या जो पड़ोसी का फ़ोन है उसको लेकर के अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लेकर जाइए, हमारे जो कर्मचारी हैं वो आपका पंजीकरण करेंगे। तो इसलिए आप इस बात से चिंतित बिल्कुल मत होए कि अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है तो हम कैसे टीकाकरण कराएंगे, वो हम कराएंगे। आपकी जिम्मेदारी केवल हमारे केंद्र तक पहुंचने की है। सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6 दिन तक अस्पतालों में टीकाकरण का कार्य होता है। इसके अलावा जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण का कार्य होता है। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे प्रदेश में टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। लगभग 1,000 अस्पतालों ने यह काम शुरू कर दिया है और उनके द्वारा अगर आप वहां जाकर के टीकाकरण करवाते हैं तो आपको 250 रुपये की एक फीस देनी होती है एक डोज की। अगर आप सरकारी केंद्रों पर करवाते हैं तो टीकाकरण बिल्कुल ही निःशुल्क है। अब तक हम 38,78,698 लोगों को पहली डोज हम लगा चुके हैं टीकाकरण टीके की, कोविड वैक्सीनेशन में, और 9,48,366 लोगों को हम दूसरी डोज दे चुके हैं। ये मैं आपको कल तक की सूचना दे रहा हूँ। इस प्रकार कुल मिलाकर के 48,21,064 डोज हम अभी तक लोगों को एडमिट कर चुके हैं। तो टीकाकरण